सनशाइन और सनलाइट इंग्लिश स्कूल के कक्षा तीसरी के बच्चों का क्या मैं स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। इन ग्रामर द फर्स्ट चैप्टर इज नाउंस। फर्स्ट चैप्टर इज नाउन। फर्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ नाउन। बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में, ग्रामर अर्थात व्याकरण, उसमें नाउंस पढ़ने जा रहे हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। नाउन का मतलब क्या होता है? नाम, जिसे हिंदी में आप संज्ञा कहते हो। क्या कहते हो? संज्ञा। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? फर्स्ट सी, आज आप परिभाषा देखेंगे नाउन की क्या होती है, व्याख्या क्या होती है। नाउन्स आर नथिंग बट द नेम्स गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एवरीथिंग। हर किसी बात को दिया हुआ नाम नाउन होता है। अब देखिए, मेरे हाथ में ये क्या है? ये कोई वस्तु है ना? चौक। करेक्ट, अ चौक। इसे हम चौक नाम से पुकारेंगे। व्हाट इज दिस? ये क्या है? स्केल है कि नहीं? व्हाट इज इट? ये क्या है? डस्टर। अमरावती क्या है? अपना शहर, तो सिटी। गांव, ब्लैक बोर्ड, लाइट, डोर, ये है वस्तुओं के, जगहों के, किसी भी चीज के नाम। द नेम्स गिवन टू ईच एंड एवरी थिंग दे आर नाउंस। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थल, पदार्थ, दिखाई देने वाला और दिखाई ना देने वाला भी, दो इट में भी, विजुअल और अनविजुअल, दे आर कॉल्ड नाउंस। उसे हम नाउन कहते हैं। अब नाउन में ये जो हमने यहाँ पे सी डॉट एन डॉट सी एन लिखे हैं, सी एन का मतलब कॉमन नाउन। प्यारे बच्चों, आज हम कॉमन नाउन पढ़ने वाले हैं। कॉमन, सी ओ डबल एम ए एन, कॉमन नाउन, सामान्य नाम। कॉमन नाउन का मतलब क्या है? सामान्य नाम। अब सामान्य नाम क्या होता है? जनरल नेम। सामान्य का मतलब क्या है? जनरल। जनरल नेम गिवन टू एनीथिंग, वह है कॉमन नाउन। अब मैं आपको कुछ उदाहरण उसके देता हूं, जैसे चिल्ड्रेन, क्लोन यानी जोकर, बोट, पिजन, फील्ड, लाइब्रेरी, स्कूल, फ्रेंड, गोट, वाटर, ये सब कॉमन नाउन के भी उदाहरण हैं। आप देखिए इधर, चिल्ड्रेन, क्लोन, बोट, पिजन, फील्ड, लाइब्रेरी, स्कूल, फ्रेंड, गोट, वाटर, पार्क, ग्रेन, वॉचमैन, डायनासोर, वायलिन, स्पाइडर, ये सब कॉमन नाउन्स हैं। अब आपको होमवर्क क्या करना है? तो इनमें से जो पीपल के नाम हैं, पीपल मैंने लोगों के नाम है, उनको आप बाइफर्गेशन कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए, अलग रखो पीपल को, प्लेसेस को एक के नीचे एक लिखिए, बाद में एनिमल्स को एक के नीचे एक लिखेंगे, और थिंग्स मायने जो वस्तुएं हैं उनको एक के नीचे एक आपको लिखना है। ये एक्सरसाइज मैं आपको भेज रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कॉमन नाउन आपके ध्यान में आया होगा। सिर्फ ध्यान रखिए कि कॉमन नाउन जब शुरू में आता है तो ही उसका पहला अक्षर कैपिटल आएगा, वरना कॉमन नाउन को कभी भी कैपिटल लेटर में कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। मान लीजिए कि आप लिख रहे हो सिटी, सी आई टी वाई, तो ये स्मॉल लेटर आएगा। अब सिटी एक है, इसलिए आ सिटी बोलते समय शुरू में कैपिटल लेटर आप ए रखोगे।
तो यही बात ध्यान में रखना कि कॉमन नाउन में हमेशा जो स्पेलिंग का पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर निकालना चाहिए। अब आगे के पीरियड में हम कॉमन नाउन्स की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ कॉमन नाउन, विल बी लर्न इन द नेक्स्ट पीरियड। फॉर टुडे लेट मी से यू गुड बाय। अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मॉर्निंग 7:30 बजे से 10 बजे तक अपने होमवर्क को स्कूल में चेक करने के लिए भेजना ना भूले। बाय।